सीकर रोड स्थित राजधानी कृषि उपज मंडी कुकरखेड़ा में किसानों के लिए कृषि रथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एफएम तड़का और एनसीडेक्स इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट के सहयोग से इसका आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान एनसीडीईएक्स के विशेषज्ञों ने किसानों को कमोडिटी बाजार के बारे में जानकारी दी। 95 एफएम तड़का के आरजे ने किसानों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी कमोडिटी बाजार संबंधित जिज्ञासा का समाधान किया। कार्यक्रम का आयोजन राजधानी कृषि उपज मंडी समिति व व्यापार संघ कुकरखेड़ा के सहयोग से किया गया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक का भी मंचन किया गया और ज्ञानवर्धक खेल के माध्यम से उपहार भी बांटे गए। किसानों को अपना माल बेचने के लिए और कोई व्यवस्था प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो सकता है, इसके लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें ये बताया गया कि भाई किसान चाहे तो अपने माल को बुआई से पहले उसका रेट तय कर ले। तो एनसीडेक्स ने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आप चाहें तो मंडी में बेच दें और चाहें तो आप 6 महीने पहले उसकी मंडी में कभी भाव गिर जाए, ख़त्म हो जाए, मान लो भाव कमी हो जाए, तो आप उस रेट पे आज ही अपना माल बेचने के लिए सुरक्षित हो सकते हैं। तो ये पत्रिका टीवी की तरफ से और आपके एफएम की तरफ से कार्यक्रम हुआ है। कृषि उपज मंडी समिति की बहुत सी योजनाएं हैं, उनके बारे में उनको आज जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री खाद्य उन्नयन योजना है, कृषि प्रसंस्करण उद्योग नीति 2019 माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जारी की है उसके बारे में मंडी समिति प्रशासन द्वारा बताया गया है। कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना में जो अंग भंग हो जाता है या मृत्यु हो जाती है, ऐसे परिवारों को मंडी समिति क्या सहायता देती है, इस संदर्भ में भी जिनको जानकारी दी गई है। मंडी चूंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, किसानों का मुख्य केंद्र है, तो मंडी प्रशासन इसके लिए सदैव तत्पर रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान मंडी में आवे। देखिए, कृषि रथ हमारी एक पहल है जो इस बार हमने वर्ल्ड इंडस्ट्रियल वीक के अंदर हमने शुरू की है जयपुर से। एक्चुअली ये हम पूरे इंडिया में कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो जयपुर और जयपुर के आसपास की जो मंडियाँ हैं वहाँ पर ये जाएगा। जैसे आज चोमू जा रहे हैं हम, इसके बाद में हमारा निवई में कार्यक्रम है, उसके बाद में हम इसको लेकर अलवर भी जाएंगे, लालसोट जाएंगे, तो गंगापुर सिटी जाएंगे, तो आसपास की जो भी मंडियाँ हैं उसके अंदर हम इसको लेकर जा रहे हैं। और अगेन जो क्योंकि ये वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक है तो किस प्रकार से हम जो इन्वेस्टर्स हैं और हमारे लिए जो इन्वेस्टर है वो किसान है, व्यापारी है, जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो है, उनको कैसे हम जागरूकता दे सकते हैं और उनको कैसे हम ये समझा सकते हैं कि वायदे से वो किस प्रकार से फ़ायदा उठा सकते हैं।